अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को समझने के लिए आपको दो चीजों की वर्किंग का पता होना जरूरी है, एक है मैग्नेट और दूसरा है सर्किट। आइए हम सर्किट से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बैटरी, कुछ वायर्स और एक बैटरी से चलने वाला ऑब्जेक्ट जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। जो ही हम बैटरी की दोनों तारों को इलेक्ट्रिक बल्ब से जोड़ेंगे तो ये रोशन हो जाएगा। इन दोनों तारों में से एक भी तार टूट गई तो सर्किट में से करंट नहीं गुजरेगा और इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो हम सर्किट को बंद या चालू करने के लिए एक स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्विच सर्किट को ऑन या ऑफ करेगा। करंट सर्किट में हमेशा एक खास समत में फ्लो करता है। हाउ करंट इस तरफ से उस तरफ फ्लो कर रहा है, इसे कन्वेंशनल फ्लो कहते हैं। लेकिन जो ही आप बैटरी की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी तब्दील हो जाती है। हालांकि इस तब्दीली का लाइट बल्ब पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जिन पर करंट के डायरेक्शन तब्दील करने से फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट की दो साइड्स होती हैं, एक को नॉर्थ पोल और दूसरी को साउथ पोल कहते हैं। यह अपनी अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से मेटल की चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। मिसाल के तौर पर यह पेपर क्लिप। जब हम दूसरा मैग्नेट इसके करीब ले आते हैं तो एक जैसी साइड्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं और अपोजिट साइड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे तो मैग्नेट कई शेप्स के होते हैं, लेकिन जिस शक्ल के बारे में हमने डिस्कस किया है इसे बार मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट ज्यादा फ्लैट भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं। अब हम मैग्नेट को एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ ये आसानी से मूव हो सके। जब हम दूसरा मैग्नेट इसके करीब लेकर आएंगे तो एक जैसे पूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अपोजिट पूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन तब्दील करके दोबारा इसके पास ले आएं, तो एक जैसे पूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम ये बार बार करें तो ये मैग्नेट एक प्रॉपर तरीके से घूमने लग जाएगा। इस मैग्नेट के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन एक नुकसान ये है कि हम इसे ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, मतलब उसकी पावर कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अब इसी घूमने वाले कंसेप्ट को याद रखना, हम इस पर जल्द लौटेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बोल्ट है। यह मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन हम इसे मैग्नेट बना सकते हैं। इसे मैग्नेट बनाने के लिए हम इसके गिर्द एक वायर लपेटेंगे। जो ही हम वायर के दोनों सिरों को बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ेंगे तो यह बोल्ट एक मैग्नेट, या सही अल्फाज में कहीं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका होगा। यह परमानेंट मैग्नेट की तरह चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे ये पेपर क्लिप। और उसका भी परमानेंट मैग्नेट की तरह एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं और बैटरी की डायरेक्शन तब्दील करके इसके पोल्स की डायरेक्शन भी तब्दील कर सकते हैं। अब इस हम परमानेंट मैग्नेट की जगह पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखेंगे। जब हम बैटरी की तारों को इलेक्ट्रोमैग्नेट से जोड़ेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और साइड में खड़े परमानेंट मैग्नेट के मुताबिक अपने आप को अलाइन कर लेगा। अब जो ही हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और एक जैसे पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बैटरी की डायरेक्शन चेंज करने से आसान तरीका है वायर्स को चेंज करना। वायर्स को चेंज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स तब्दील हो जाएंगे और ये एक दफा फिर घूम जाएगा। हम इसे मजीद पावरफुल बनाने के लिए एक और परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे, लेकिन ये याद रहे कि अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेंटर की तरफ होगा तो दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल सेंटर की तरफ होगा। यहाँ इन मैग्नेट के मिलने से ये घूमता रहेगा। ये सब जो हमने देखा ये इलेक्ट्रिक मोटर की एक सिंपल सी शक्ल है। इसे कारामद बनाने के लिए हमें कुछ तब्दीलियां करना होंगी, जैसे साइड में मौजूद बार मैग्नेट्स की जगह पर स्ट्रांग कर्व मैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं और वायर लपेटे बोल्ट की जगह पर एक मेटल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे आर्मेचर कहते हैं। वायर्स जोड़ने से हमारा सर्किट मुकम्मल है। यहाँ मैग्नेट को हम फ्लैट मान सकते हैं। अब मैग्नेट तब तक घूमेगा जब तक ओपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने न आ जाएं। यहाँ फिर हम वायर्स को चेंज करके मैग्नेट का घूमना जारी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर वायर को स्विच करना एक मुश्किल काम है। इसे आसान बनाने के लिए हम आर्मेचर के साथ कुछ जोड़ेंगे जिसे कमोटेटर कहते हैं। ये मेटल के दो टुकड़े होते हैं जिनके दरमियान गैप होता है और ये आर्मेचर के साथ घूमेगा। इसमें सर्किट कनेक्ट करने के लिए दो ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कमोटेटर घूमता है तो ये ब्रशेस इसके ऊपर स्लाइड करते हैं। हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए ब्रशेस में स्प्रिंग लगे होते हैं।
वायर्स जोड़ने से हमारा सर्किट मुकम्मल है। करंट वायर से ब्रश और ब्रश से कमोटेटर के पहले टुकड़े, और पहले टुकड़े से आर्मेचर और आर्मेचर से कमोटेटर के दूसरे टुकड़े, और फिर दूसरे ब्रश से होता हुआ वापस फ्लो हो जाता है। जो ही इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमेगा तो आर्मेचर और कमोटेटर के टुकड़े भी उसके साथ घूमेंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट लगभग आधा घूम लेगा तो ब्रशेस कमोटेटर के टुकड़ों की दूसरी तरफ स्विच कर लेंगे। ब्रशेस के बदलने से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी बदल जाएंगे। इस तरह से पोल्स के तब्दील होने को इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी का बदलना कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी के बदलने से आर्मेचर घूमता रहेगा। असल में यही काम हम पहले वायर्स के बदलने से कर रहे थे, जो अब कम्यूटेटर के टुकड़े खुद ब खुद कर रहे हैं। जब तक आर्मेचर बैटरी से जुड़ा हुआ है तब तक ये इसी तरह घूमता रहेगा। जो ही हम सर्किट को ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रहेगा और ये भी घूमना बंद कर देगा। अभी तक हमने मोटर में सिर्फ एक आर्मेचर लूप का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से इसकी स्पीड इरेगुलर होगी और कमोटेटर के टुकड़ों की तब्दीली के दौरान ये रुक भी सकता है। इस मसले को हल करने के लिए हम कमोटेटर को और दो हिस्सों में तकसीम करके एक और लूप जोड़ सकते हैं। जो ही हम सर्किट को ऑन करेंगे तो जो कमोटेटर के टुकड़े इन ब्रशेस के कॉन्टेक्ट में होंगे उनके आर्मेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाएगा और ये घूमना शुरू कर देगा। जब मैग्नेट इतना घूम लेगा तो ब्रशेस का कॉन्टेक्ट कमोटेटर के अगले जोड़े से हो जाएगा, जिसका मतलब है पिछला लूप ऑफ हो जाएगा और ये लूप ऑन हो जाएगा। इस तरह से कमोटेटर घूमता रहता है और ये लूप एक के बाद एक ऑन होते रहते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर्स में कई आर्मेचर लूप जोड़े जाते हैं, जिस वजह से ये मोटर समूथली घूमता रहता है। आर्मेचर के घूमने से जो रोटेशन पैदा होती है उसे टार्क कहते हैं। ज्यादा टार्क का मतलब है मोटर की ज्यादा स्पीड। मोटर का टार्क बढ़ाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक, आर्मेचर लूप में ज्यादा वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा वायर्स का मतलब ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब मोटर में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो मोटर ज्यादा स्पीड से घूमेगा। यही वजह है कि जब आप किसी असली मोटर को खोलते हैं तो उसमें ज्यादा वायर्स लगे होते हैं। दूसरा ये कि हम मोटर का टार्क बढ़ाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। आइए अब हम मोटर के कुछ अहम पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोटर का ये हिस्सा जो नहीं घूम रहा, इसे स्टेटर कहते हैं, जो यहाँ साइड में लगे परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये स्टेटर एक मोटर बॉडी के अंदर फिट होता है। जो हमारा आर्मेचर है इसे रूटर भी कहते हैं। यही वो पार्ट है जो घूमता है। मोटर के बिल्कुल सेंटर में एक शाफ्ट लगा होता है जो रूटर के साथ घूमता है। इस वीडियो में हमने जिस मोटर के बारे में डिस्कस किया है, ये एक आम डीसी मोटर है। आप जितने भी खिलौने देखते हैं ज्यादातर में यही मोटर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी मजीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा।